हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.1 का सेवन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, तो सेवन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2-5 एंड -2 और 9। हमने एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पे इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे हम चेक करते हैं, जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस -5 है, तो एक्स एक्सिस 2 यहाँ होगा और वाई -5, हम वाई -5 यहाँ लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पॉइंट होगा और एक्स एक्सिस -2 और वाई 9 होगा। ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, जो एक्स एक्सिस पे है और इक्वल डिस्टेंस पे है। हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है भी, वो पॉइंट कौन सा है जो इससे भी इक्वल दूरी पर है और इस पॉइंट से भी इक्वल दूरी पर है। तो पहले हम एक्स एक्सिस पॉइंट पे लेट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट हो जो एक्स एक्सिस पर होगा, कोई भी पॉइंट हो जो एक्स एक्सिस पर होगा, उसका वाई पॉइंट क्या होगा? 0, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे -1, चाहे -2, चाहे -3, उसका वाई एक्सिस पॉइंट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो हमारा एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो हम क्या लेट कर लेते हैं, पी पॉइंट को, एक्स और 0, यानी वाई एक्सिस का पॉइंट 0 होगा और एक्स एक्सिस का पॉइंट हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट है हमारे पास 2 और -5, बी पॉइंट हमारे पास है -2 और 9, और जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है वो हमने लेट कर लिया पी, एक्स और 0। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है। तो अब हमने पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पहले हम पी ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और पी के पॉइंट हमारे पास क्या है? एक्स 0। पी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक्स 1 हमारे पास क्या है? एक्स। और वाई 1 हमारे पास क्या है? 0। और ए के पॉइंट है एक्स 2 है हमारे पास 2, और वाई 2 हमारे पास क्या है? -5। और वाई 2 हमारे पास क्या है? -5। अब हम पी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, एक्स 2 माइनस एक्स 1 का स्क्वायर 2 नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, और वाई 2 माइनस वाई 1 का स्क्वायर -5 नेगेटिव 0 का स्क्वायर। अब ए माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो वो क्या होती है, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 × 2 × x, और -5 -0 इज -5, -5 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 25। और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 2 × 2, -4x प्लस 25। तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -4x, 25 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया? 29। ये हमारे पास क्या आ गया, पी ए का डिस्टेंस। अब हम फाइंड आउट करेंगे पी बी का डिस्टेंस। हमारे पास पी पॉइंट क्या है, एक्स 0, और बी पॉइंट हमारे पास क्या है, -2 और 9। अब हमने पी और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो एक्स 1 हमारे पास क्या है, एक्स, वाई 1 हमारे पास है 0, एक्स 2 है हमारे पास -2, और वाई 2 हमारे पास है 9। तो पी बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, एक्स 2 माइनस एक्स 1 का स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 का स्क्वायर। तो एक्स 2 हमारे पास है -2 और नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, और वाई 2 हमारे पास क्या है, 9, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव को कॉमन निकाल देंगे हम दोनों में से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स और होल का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब ये नेगेटिव का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर और 2 × 2 = 4x, यानी यहां ए प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और 2ab प्लस 81। तो हमारे पास पी बी की क्या इक्वेशन बन गई, एक्स का स्क्वायर
4x 81 प्लस 4 85। और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है पी बी की। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी ए किसके इक्वल है, पी बी के। हमें क्वेश्चन में गिवन है पी ए का डिस्टेंस किसके इक्वल है, पी बी के। और पी ए का हमारे पास क्या डिस्टेंस था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x प्लस 29। और पी बी का डिस्टेंस हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। तो पहले तो हमने स्क्वेयर रूट को रिमूव करना है, तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इसके हमारे साथ रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 4x प्लस 29 का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 4x प्लस 85 का होल स्क्वेयर। तो स्क्वेयर के साथ रूट कैंसिल, स्क्वेयर के साथ रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 4x प्लस 29, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 4x प्लस 85। ठीक है, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 4x, ये नेगेटिव 4x इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 85 और 29 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर कैंसल, सॉरी ये पॉजिटिव था तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव 4x था तो ये इधर जाके नेगेटिव 4x हो जाएगा। तो नेगेटिव 4x और नेगेटिव 4x क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव 8x। तो 85 माइनस 29 क्या होगा हमारे पास, 56। ठीक है, 85 माइनस 29 हमारे पास क्या हो जाएगा, 56। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 56 डिवाइड बाय नेगेटिव 8। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 7 56, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव 7। तो हमने पॉइंट क्या लेट किया था, जो x एक्सिस पर है x 0, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, नेगेटिव 7 और 0। तो हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन का क्या आंसर है, जो हम इक्वल डिस्टेंस पे है ए और बी पे, तो वो पॉइंट क्या है, नेगेटिव 7 और 0। ठीक है, तो हमारा सेवंथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी 2 -3 क्यू 10y इज 10 यूनिट। हमें P और Q का डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट और Q में हमें Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो Y एक्सिस पॉइंट है Y, उसकी वैल्यू पॉइंट फाइंड आउट करनी है हमारे पास। और P और Q का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है 10 यूनिट। तो पहले तो हम P Q का आइडेंटिटी लगाएंगे, P Q का डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हमारे पास P Q के लिए x1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2, और y1 हमारे पास है -3, और x2 है हमारे पास 10, और y2 हमारे पास कितना है, y। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 -2 का स्क्वायर, और y2 की वैल्यू कितनी है, y -3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। तो 10 -2 8 का स्क्वायर, और y -(-) पॉजिटिव, तो प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। तो पहले तो हमने स्क्वायर रूट को खत्म रिमूव करना है, तो वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एट का स्क्वायर 64, वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100। तो यहां आइडेंटिटी ओपन कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 × 2 = 6y प्लस 64 -100 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर 6y प्लस 9, 64 माइनस 100 इज
-36, वाई स्क्वायर 6y, तो 36 माइनस 9 इज 27। अब हम टर्म स्प्लिट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास 27 आनी चाहिए और एडिशन कितना आनी चाहिए 6y, ठीक है। तो यहां क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास 9y -3y, क्योंकि 9 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6y बन रहा है, 9 और -3 को मल्टीप्लाई करो तो -27 बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से y कॉमन आ गया तो y प्लस 9, इन दोनों में से हमारे पास -3 कॉमन आ गया तो y प्लस 9, तो दोनों में से y प्लस 9 कॉमन निकाल दो और y -3। अब आपके पास y की दो वैल्यू आ गई, y प्लस 9 इक्वल टू 0, y -3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू एक 3 है और y की वैल्यू एक क्या है -9, तो आपके पास दो आंसर आ गए -9 और 3। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।